कांशीराम जी ने ऐसा क्या काम किया था कि आज भी बहुजन समाज उनको याद करता है? कांशीराम जी एक समाज के बहुत बड़े मसीहा थे। उन्होंने अकेले ही पूरे समाज को जगाने का काम किया। जिस प्रकार से जो दलित शोषित और पिछड़ा समाज है, उस पिछड़े समाज को साहब कांशीराम जी ने न्याय दिलाने के लिए अकेले ही संघर्ष किया। वो अकेले ही चले थे पहले, वो चलते गए, फिर कारवा सारा जुड़ता गया। उन्होंने पूरे दलित शोषित समाज को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी, अपना परिवार छोड़ा। वो एक इतने बड़े उन्होंने समाज को न्याय दिलाने के लिए तमाम उनके ऐसे कृतक वो रहे, उनके योगदान समाज के लिए तमाम त्याग करे कांशीराम साहब ने समाज के लिए, और समाज को जगाने के लिए वो पैदल भी चले। उन्होंने साइकिल से भी लोगों को जागरूक करने की कोशिश करी कि उठो, जागो और अपने अधिकारों के लिए लड़ो। जिस प्रकार से जो मनुवादी शक्तियाँ कई हजारों सालों से जो हमारे दलित समाज का जो शोषण करती हुई आई थी, उनका जो तिरस्कार कर रहे थे लोग जाति सूचक के नाम पर, और तमाम इस प्रकार से जो दबा हुआ कुचला हुआ समाज था उसको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए माननीय कांशीराम साहब ने अकेले लड़ाई लड़ी, पूरे समाज के को जगाने का काम किया उन्होंने। ऐसे ऐसे उन साहब के योगदान रहे, तो जो साहब का जो योगदान था उसे बहुजन समाज कभी भी भूला नहीं सकता। आज बहुजन समाज पार्टी जो समाज है, जिस प्लेटफार्म पे है, आज जिस प्रकार से उन्होंने DS4 बनाई, बाम से बनाई, आज बहुजन समाज पार्टी 1984 में साहब कांशीराम जी ने बनाई, वो इसलिए बनाई थी कि जो राजनीतिक शक्तियाँ हैं उन्होंने कभी भी दलितों की तरफ देखा नहीं था। साहब कांशीराम जी का ऐसा मानना था कि जब तक हम लोग सत्ता में, हमारे समाज की भागीदारी नहीं होगी, जब तक हमारा समाज उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए साहब कांशीराम जी ने सन 1984 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन पर 14 अप्रैल को बहुजन समाज पार्टी की नींव रखी, और चार चार बार माननीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी। ये साहब कांशीराम जी की देन थी। जो एक वो पहले ऐसे क्रांतिकारी नेता और सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने इतने चार चार बार उत्तर प्रदेश में अपना मुख्यमंत्री बना करके समाज को न्याय दिलाने का काम किया, और संसद तक समाज के लोगों को ले गए। वो जो और पार्टियां थी, जो और लोग थे, जो दलित समाज का वोट तो लेते थे, लेकिन दलित समाजों का सबसे ज़्यादा दमन दोहन और शोषण दूसरे लोग करते थे। इसलिए साहब कांशीराम जी का ऐसा मानना था कि जब तक हमारे समाज के लोग संसद में नहीं जाएंगे, तब तक हमारे समाज का विकास नहीं हो सकता। ना आर्थिक तौर पर विकास हो सकता, ना सामाजिक स्तर पर विकास हो सकता, ना शिक्षा के स्तर पर विकास हो सकता, क्योंकि जो आज़ादी के बाद से जितनी भी सरकारें केंद्र में रहीं उन्होंने कभी भी दलित समाज के ऊपर ध्यान देने की कोशिश नहीं करी। जिस प्रकार से आज देख रहे हो किस प्रकार से दलित समाज का शोषण होता हुआ आ रहा है, उनको किस प्रकार से उनको ऊना कांड और तमाम ऐसी घटनाएं जो है देश में सामने आई, जिससे पूरा का पूरा जो समाज है वो आहत हो जाता है। बहुत ही शर्मनाक रवैया रहा इन सरकारों का, जो केंद्र में सरकारें रहीं उनके शर्मनाक रवैये की वजह से साहब कांशीराम जी जैसे महापुरुषों को लड़ाई लड़ने लगी पड़ी, और उन्होंने एक जंग लड़ी, उन्होंने अकेले जंग लड़ी, ठीक है, और उसका आज नतीजा है। आज जो समाज ये फल फूल रहा है, आज बहुजन समाज, आज जो जिस प्लेटफार्म पे बहुजन समाज आया है आज, वो किसी देवी देवता या भगवान की देन नहीं है, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे महापुरुषों की और साहब कांशीराम जी जैसों की देन है, जो आज ये समाज थोड़ा सा इसका जो स्तर थोड़ा सा आगे बढ़ा। सामाजिक परिवर्तन की जो लड़ाई थी, माननीय कांशीराम साहब ने एक पार्टी का एक प्लेटफॉर्म बनाया ताकि हमारा समाज सत्ता में आकर के अपनी लड़ाई खुद लड़े, क्योंकि वो उनका ऐसा मानना था साहब कांशीराम जी का कि तुम्हारी लड़ाई ये दूसरे लोग नहीं लड़ने वाले, जब तक तुम खुद सत्ता में आकर के और संसद में नहीं जाओगे, अपनी सरकार नहीं बनाओगे, जब तक तुम्हारा कभी कल्याण नहीं होने वाला। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।